Okay, so guys, we are doing this uh, quick revision class of pillars of Islam. And first, let us Shahada. Shahada is divided into two parts. First part is <coughs> belief in oneness of Allah, which is also an article of faith. And the second part of Shahada is belief in.

Universal one that he is a universal messenger, he was not sent to any specific place or area. Yeah, he was born in Arab and he lived in Makkah and then later on in Medina, but his message was universal. <coughs> <clears throat> Fourth and most important requirement of this faith is you have to support your faith. थ्रू एक्शन और एक्शन में आप सपोर्ट किस तरह से करोगे ओबीडियंस ऑफ प्रॉफिट पीस भी अपॉन हम बताएंगे दिस इज द मोस्ट डिफिकल्टेट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फेथ जुबान जुबान से आप कहते रहो हम इतने फैन है उतने फैन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ द डिक्लेरेशन ऑफ फेथ शहादा इज एक्क्टेड अपॉन थ्रू द रिमेनिंग फोर पिलर्स ऑफ इस्लाम अब इस बात को जरा समझो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि शहादा में जो आप प्रॉमिस करते हो कि अल्लाह एक है और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं तो ये प्रॉमिस आप अपने बाकी चार पिलर्स में किस तरह से उसको आप डेमोंस्ट्रेट करते हो उसको उस पर अमल करते हो आप ठीक है तो हम बताएंगे कि भाई जो प्रेयर है प्रेयर अल्लाह ताला के लिए होती है और प्रेयर का तरीका प्रॉफिट ने बताया था तो एक, एक सेंस में नमाज पढ़ने से हम दोनों की ओबीडियंस कर रहे हैं इस तरह अगर हम जकत की बात करें तो भाई जकत जो है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एंड मैसेंजर दी जाती है हज की अगर हम बात करें तो हज जो है वो तो है ही सारा इस चीज़ के ऊपर बेस के काबा अल्लाह का घर है उसको हम विजिट करते हैं वगैरह 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 फास्टिंग के बारे में तो क्लियरली अल्लाह ने कहा है कि फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई विल गिव इट्स रिवॉर्ड ठीक तो जो रिमेनिंग फोर पिलर्स हैं उसमें हम एक तरह से शहादा में किए हुए प्रॉमिस को के ला, ला रसूलुल्लाह रिमेनिंग पिलर्स में चारों में फास्टिंग प्रेयर जक़ात एंड हज में हम उसी प्रॉमिस को एक तरह से फुलफिल कर रहे होते हैं प्रेयर तो बहुत आसान है यार प्रेयर की कंडीशन या प्रिपरेशन ऑफ प्रेयर इसकी वर्डिंग अलग हो सकती है लेकिन ये दोनों एक ही चीजें हैं हाउ डू मुस्लिम प्रिपेयर फॉर प्रेयर या वॉट आर द कंडीशन ऑफ प्रेयर ये एक ही क्वेश्चन है ठीक है अच्छा जी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्योरीफिकेशन प्योरीफिकेशन इज द लेंदीएस्ट पार्ट ऑफ दिस आंसर बिकॉज इट इज डिडेड इंटू एब्ल्यूशन गसल के बारे में बता देना फिर उसके बाद सॉरी एब्ल्यूशन वजू है फिर गसल है बात और फिर उसके बाद है क्या चीज तीसरी चीज है तयम कि अगर पानी ना हो या पानी यूज करने की फिजिकल कैपेसिटी ना हो तो फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन प्योरीफिकेशन में तयम होता है उसके बाद कपड़ों का साफ होना टाइडी क्लोथ्स उसके बाद इंटेंशन इंसान की नियत का ठीक होना रेफरेंस दे देना आर बाय टाइम टाइम ऑफ प्रेयर की बात करेंगे कि नमाज का होना बहुत जरूरी है नमाज को उसके टाइम में पढ़ना चाहिए टाइम में पढ़ेंगे तो वो कजा काउंट होगी ज़ाहिर सी बात है फजर स्टार्ट विद ब्रेक ऑफ डॉन एंड एंड बिफोर सनराइज बिफोर सनराइज इसलिए है कि सनराइज का जो वक्त है वो मकरू टाइम होता है उस वक्त आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते जोहर इज डिक्लाइन ऑफ सन यानी कि जब सन बिल्कुल सेंटर में आने के बाद जब वेस्ट की तरफ अब शुरू हो जाता है उसका टिल्ट तो दैट इज कॉल्ड जवाल जवाल से लेकर ये जाती है ये एक बड़ी टेक्निकल टर्म है जब हर चीज का शेडो उसके एक्चुअल साइज का डबल हो जाए यहां तक आप जोहर की नमाज पढ़ सकते हैं फिर जहर का एंड इज द बिगिनिंग ऑफ असर और असर गोज सनसेट लेकिन वही बात कि सनसेट भी मकरू वक्त है तो सनसेट से थोड़ी देर पहले इसका टाइम खत्म हो जाता है मग़रब स्टार्ट आफ्टर द सनसेट अंटिल द रेडनेस होराइजन पे आपने देखा होगा मगरब की नमाज के बाद एक शफक रेडनेस नजर आती है जैसी वो डिसअपेयर होती है तो फिर क्या होता है मगरब का टाइम खत्म हो जाता है ठीक <coughs> हो गया आगे चलते हैं ईशा का सबसे लेंदी जो है वो टाइम विंडो होता है इट स्टार्ट, स्टार्ट विद द डिसअपेयरेंस ऑफ रेडनेस यानी कि मगरब के एंड के साथ ही ईशा शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद जो है चलता है ये सुबह फजर के टाइम तक इसका टाइम चलता है तीन टाइम ऐसे हैं जिसमें आप नमाज नहीं पढ़ सकते सनराइज है उसमें उसमें जवाल है व्हेन सन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग टुवर्ड्स वेस्ट और फिर सनसेट है सतर सतर का मतलब है बदन को ढांकना फेसिंग द किबला ये भी एक कंडीशन है ठीक इसका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता सकते हैं कि सेकेंड डे तक मुस्लिम जो है वो मस्जिद अक्सा को किबला मानते थे फिर अल्लाह ने चेंज कर दिया आगे चलते हैं जी मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन अब आपने देखा कि में से एक चीज क्या थी कंडीशन में से एक चीज यह भी थी आ, purification. उसी प्योरिफिकेशन पर समझ लो एक अलग से टेन मार्क्स भी आ सकता है रिगार्डिंग मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन तो मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन में हम उसी बात को थोड़ा ज़्यादा जो है वो एलेबोरेट करेंगे यानी कि हम वज़ू के ऊपर बिल्कुल अलग से पैराग्राफ बना देंगे हम गसल के ऊपर अलग से पैराग्राफ बनाएंगे और उसके बाद फिर आखिर में हम तयम के ऊपर भी पूरी डिटेल से बात करेंगे ये हो जाएगा हमारा टेन मार्कर ऑफ मैथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन

हम बताएंगे कि मेजर इम्प्योरिटी तो हो तो गसल करना पड़ता है माइनर इम्प्योरिटी हो तो वजू करना पड़ता है ठीक है और अगर पानी ना हो या कोई ऐसे सरकम हो कि किसी मेडिकल रीजन की वजह से आप पानी यूज नहीं कर सकते तो फिर आप तय यानी कि ड्राई एब्ल्यूशन कर सकते हैं माइनर इम्प्योरिटीज की लिस्ट बता दी है यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी चीजों की वजह से सोने की वजह से क्या होता है बेहोश हो जाने की वजह से वजू वापस से करना पड़ता है वुजू में चार चीजें फर्ज होती हैं वॉशिंग फेस ठीक है उसके बाद आर्म्स है वो मसा करना होता है, है एंकल्स तक ठीक ये पूरी वर्ष आ गई याद कर लेना सुनना मेथड ऑफ एवोल्यूशन क्या है आप सबको पता है कि भाई सबसे पहले नीयत होती है फिर उसके बाद जो पढ़ते है बिस्मिल्ला पड़ते हैं पहले हाथ धोते हैं फिर उसके बाद कुल्ली की जाती है फिर उसके बाद नाक साफ की जाती है वॉशिंग फेस है आर्म्स है फिर उसके बाद मसा है फिर कानों का मसा है गर्दन का मसा है और फिर उसके बाद फाइनली वॉशिंग फीट इंक्लूडिंग एंकल्स ठीक हो गया और हर पार्ट को तीन दफा धोना चाहिए और एक बाल बराबर हिस्सा भी खुश्क ना रह जाए गुसल की बात करें तो इट्स ईजियर कंपैरेटिवली इसमें सिर्फ तीन चीजें जो है वो क्या होती हैं वो होती हैं फर्ज अच्छा क्या क्या चीजें हैं भाई वो मुंह धोना कुल्ली करना यानी के ठीक फिर उसके बाद नाक साफ करना और फिर उसके बाद पूरे जिसम पे एक बार इस तरह से पानी बहाना कि कुछ भी खुश्क ना रहे तयम की अगर हम बात करें तो तयम की सबसे पहले तो ये है कि भाई या तो पानी है नहीं या आप यूज नहीं कर सकते और तयम बहुत आसान है बिस्मिल्ला पड़ी नियत किया आपने और उसके बाद आपने एक दफा मिट्टी पे हाथ मार के चेहरे पे फेर लिए और एक दफा आपने मिट्टी के हाथ मार के दोनों आर्म्स के ऊपर लगा लिया तो ये आपका हो जाता है तयम इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर रीड भी कर लोगे तो समझ में आ जाएगा स्टिल मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ यहाँ पे सलाह के पांच मतलब लिखे हुए हैं कि सलाह को अगर अल्लाह की तरफ रेफर किया जाए तो उसका क्या मतलब होता है और इंसानों की तरफ रेफर किया जाए तो उसका क्या मतलब होता है ये लिस्ट याद कर लेना बड़ी काम की चीज है हम बताएंगे कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेयर ऑफ पिलर ऑफ इस्लाम है पहले पचास मिली थी फिर पांच हो गई थी लेकिन अल्लाह ने कहा था कि जो ये पांच भी पड़ेगा उसको पचास का सवाब मिलेगा रेगुलरिटी ऑफ प्रेयर बहुत डिमांड की गई है इस्लाम में फिर हम बताएंगे कि प्रेयर इज नॉट जस्ट ओबीडियंस ऑफ अल्लाह बट इट एक्चुअली अफेक्ट आवर कैरेक्टर क्योंकि ये कुरानिक वर्ष है इंडीड प्रेयर प्रोहिबिट इमोरलिटी एंड रॉन्ग डूइंग डूंग्यूम आर टेकन ओवर बाय देर ईविल डिजायर एंड दे गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम गॉड इस सिचुएशन को कुरान में कहा जाता है कि लोगों के दिलों को जंग लग जाता है तो remembrance of Allah जो है वो आपके दिलों को साफ करती है पीपल सीक सक्सेस बट सक्सेस इज कॉलिंग ये तो फेसबुक पे भी एक बड़ा शेयर होता है रिवॉर्ड फॉर ऑफरिंग इट रेगुलरली के नमाज को रेगुलरली पढ़ने का क्या सवाब मिलता है वो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं ये वाला रेफरेंस लिखा हुआ है गेम सारी जो है ना इसमें इंपॉर्टेंस तो uh, के क्वेश्चन हो तो रेफरेंस के ऑन ऑन प्रेयर प्रेयर इन हदीस हदीस में प्रेयर के ऊपर बहुत स्पेशल है आप देख सकते हो प्रेयर इज कूलनेस ऑफ माई आईज जजमेंट डे पे सबसे पहली चीज जो है वो प्रेयर के बारे में सवाल होगा प्रॉफिट असलम ने कहा सबसे बड़ा नेक काम जो है वो क्या है वो अच्छे तरीके से नमाज अदा करना है मेथड ऑफ प्रेयर सबको मालूम है ये क्वेश्चन कभी असेस तो नहीं हुआ लेकिन ये कि इसमें आपको एक दो रकात नमाज का पढ़ने का तरीका बताना होता है तो मुस्लिम स्टूडेंट्स को तो ये ना आए तो उन्हें तो गोली मार देनी चाहिए डिसपलीन की और अगर बाकी नॉन मुस्लिम्स को समझ में ना आए तो फिर मसला नहीं है आप लोग इसको बुलेट पॉइंटर्स में लिखकर किसी से लिखवाकर अपने किसी दोस्तों दोस्तों से इस चीज को समझ सकते हो इसको रीड भी करोगे तो एक दफा समझ में आ जाएगा स्टेप्स का अगर आप सीक्वेंस बना लो ना बुलेट्स में तो ये बड़ी आसानी से याद हो सकता है ये टाइम्स ऑफ प्रेयर का और नंबर ऑफ रिकार्ड का एक चार्ट बना हुआ है तो टाइम्स ऑफ प्रेयर उधर जो आपने कंडीशन में याद करने थे वो यहाँ से याद कर लेना ये ज्यादा आसान है ठीक <coughs> है तो दो सुन्नत हैं पहले वाली दो फर्ज हैं और उसके बाद फिर टोटल जो है वो इसकी हैं चार फजर की वेट ओके okay. तो आपको यहां पे पूरी लिस्ट नजर आ रही होगी कि जहर का टाइम लिखा है जहर की रकाते लिखी हैं उसके आगे उसके बाद असर मगरब ईशा और इवन जुमा का भी यहां पे टाइम लिखा हुआ है ठीक है ओके okay. <laughs> आगे चलते हैं दो तीन बार चार बार हो चुका है इसको समझना अब कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर जो है वो दो तरह तरह की, की तीन तरकी होती है, टोटल डेली फ्राइडे और ईद जिनके ऊपर आज तक क्वेश्चन आए हैं तो डेली congregational प्रेयर के अगर पर, बात आए तो यूजली वो आपसे पूछते हैं पर्टिकुलर फीचर्स तो जो जनरल फीचर्स होते हैं ना नमाज के वो नहीं बताने आपने आपने जो सिर्फ जमात की नमाज का डिफरेंस होता है आम नमाज से उसको आपको इलेबोरेट करना है ठीक है सो अल्लाह मुस्लिम प्रेयर इन कांग्रेगेशन ठीक ये रेफरेंस आ जाएगा फिर उसके बाद हम बताएंगे कि भाई सिर्फ फर्ज को जो है पढ़ा जाता है कॉन्ग्रीगेशन में इसके रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा है सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है ट्वेंटी सेवन टाइम्स ज्यादा सवाब मिलता है अजान एक पर्टिकुलर फीचर है जो इंडिविजुअल नमाज में नहीं होता सही हो गया फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे कि इसमें प्रेयर में डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्ट्रेट क्यूज बनाने के लिए कहा है प्रॉफिट ने हम बात करेंगे ये भी बताएंगे कि ये नमाज पढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर एक आदमी हो और एक उसके साथ दूसरा मुख्तदी हो एक इमाम और एक फॉलोअर तो फिर भी उन्हें जमात से नमाज पढ़नी चाहिए कैसे पढ़ेंगे उसका पैटर्न इन दो लाइनों में यहाँ पे लिखा हुआ है इसको रीड करो लो समझ में आ जाएगा क्वालिफिकेशन ऑफ इमाम की हम बात करेंगे कि भाई जिसको कुरान ज्यादा समझ में आता है जिसका कैरेक्टर अच्छा है जिसको हदीस की ज्यादा तालीम है जिसको पता है मतलब पढ़ा लिखा प्रेजेंटेबल इंसान है बिकॉज ये एक लीडरशिप डेजिग्नेशन होता है बहुत इंफ्लुन्शल डेजिग्नेशन होता है तो यहाँ पे दीन दुनिया के हिसाब से हर चीज़ देखनी पड़ेगी तब जाके इमाम साहब को क्वालिफाई किया जाएगा और माशाल्लाह से हमारे जो इमाम्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने लो हैं इतने लो हैं कि उसकी तो कोई उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता शायद मेरे ख्याल में इसमें आम लोगों का कसूर भी है कि इस तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं है कोई बद, बद, आ, कोई पढ़ी लिखी एजुकेटेड वेल ऑफ फैमिली जो है वो अपने बच्चों को इमाम बनाना चाहती नहीं है मे बी एक इसका बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है विच इज वाई फिर अल्टीमेटली अब आपको ज्यादातर जो इमाम बैठे हुए नजर आएंगे वो सेक्टेरियन बातें करते हुए नजर आएंगे आपको वो शदीद एक्सट्रीमिस्ट होंगे दुनिया की उन्हें अलिफ भी नहीं पता होगी प्रेजेंटेबल नहीं होंगे बिल्कुल तो जो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए चुन चुन के वो माशाल्लाह से उनके अंदर एक भी नहीं होगी खैर कमिंग बैक इकामा एकामा जो है ये एक सॉरी एक चीज भूल गई कि इमाम को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो नमाज को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आसान बनाने की कोशिश करे ठीक है इकामा उसके बाद क्या होता है एकमा इज अजान का छोटा भाई विच इज कॉल्ड जो कि कहा जाता है जो कि अजान अनाउंस की जाती है इकामा अनाउंस की जाती है बिल्कुल नमाज से पहले तो भाई फिलॉसफी बिहाइंड इसके ये है कि अजान लोगों को घर से बुलाने के लिए होती है और इकामा मस्जिद में बैठे हुए लोगों को ये बताने के लिए होती है कि नमाज शुरू होने वाली है भाई आ जाओ जल्दी से आ जाओ तकबीर तहरीमा ये भी जमात का एक फीचर है कि इमाम के साथ अगर आपने अल्लाह अकबर कहा है इमाम को फॉलो करते हुए बिल्कुल इमाम के पीछे तो दिस इज कॉल्ड तकबीर तहरीमा एंड दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ नमाज कि आप इमाम के साथ थे शुरू से लेके आखिर तक फ्राइडे कांग्रेगेशन की हम बात करते हैं तो भाई अगर हम फ्राइडे कांग्रेगेशन की बात करें तो हमें नजर आएगा कि फ्राइडे इज रिगार्डेड एज यानी के फ्राइडे के, के दिन की बात हो गई यानी उस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है अब हम प्रेयर की तरफ आते हैं कि फ्राइडे की जो कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर है इट हैज लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस हम बताएंगे कि अल्लाह ताला ने फाइनेंशियल एक्टिविटीज को अबैंडन uh, करने के लिए कहा है फाइनेंशियल एंड सोशल एक्टिविटीज को कि भाई धंधा बंदा बंद करो ठीक हो गया अच्छा जस्ट गिव मी वन मिनट अच्छा ओके okay. सो so, हम क्या बात करें हाँ इट्स ऑप्शनल फॉर वेमेन जरूरी नहीं है स्टिल अगर अरेंजमेंट है मस्जिद में जगह है कल्चर है तो जाना चाहिए मोस्ट वेलकम प्रॉफिट्स स्पेशल प्रिपरेशन फॉर फ्राइडे उसकी हम बात कर लेंगे वो तीन चार पाँच छः जो जनरल नमाज के लिए भी चीज़ें होती हैं वही कि भाई परफ्यूम लगाना फ्राइडे को जरा उसका थोड़ा स्पेशल बेहतरीन कपड़े पहनना सबका मिल के मस्जिद जाना ठीक फिर उसके बाद जो है वो मस्जिद में लोगों को ग्रीट करना वगैरह uh, वगैरह हेयर कट अगर लेना हो नाखून वाखुन ना काट लेना ये सारी चीजें जुमे की दो अजानें होती हैं ये जुमे का एक सेपरेट अलग से फीचर है डिफरेंट फीचर है और फिर उसके बाद इमाम जो है दो काम करते हैं एक वो नेटिव लैंग्वेज में एक स्पीच डिलीवर करते हैं जैसे यहाँ हमारे यहाँ जिन लोगों ने जुमा पढ़ा है उन्हें पता होगा कि पहले उर्दू में तकरीर होती है और फिर उसके बाद टू एरबिक सरमन होते हैं ठीक है जिनकी बड़ी खास इंपॉर्टेंस है उनको बड़े ध्यान से चुप करके सुनना चाहिए दो रकात फर्ज पढ़ी जाती है यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि का अल्टरनेटिव होता है तो कोई ये ना सोचे कि भाई जोहर की नमाज जो है वो आम, क्या हो जाएगी उसकी वजह से फ्राइडे भी चार रकात होगा लेकिन ऐसा नहीं है पीपल हु आर आर फ्रॉम फ्राइडे स्लेव हुई तो मतलब फर्ज नहीं है चिल्ड्रेन फर्ज नहीं, नहीं है फिर भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं एंड सिक पर्सन अगर कोई बीमार है तो आगे चलते हैं एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्राइडे कॉन्ग्रीगेशन प्रेयर फॉर मुस्लिम कम्युनिटी अच्छा जी क्या क्या बताएंगे कि भाई इससे नंबर्स का डिस्प्ले हो जाता है यूनिटी का डिस्प्ले होता है दे गेट टू सोशलाइज दे गेट टू डेमोस्ट्रेट देयर यूनिटी फिर इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं वो उसमें सरमन में डिस्कस होती हैं तो वो एक रिविजन हो जाता है एक तरह से जो पूरे हफ्ते के सिक्स वर्किंग डेज में इंसान जरा डिस्कनेक्टेड हुआ हुआ होता है तो ये उसके बाद जो है लोग क्या करते हैं हुजैर सिद्दीकी यू आर आउट बेटा ओके okay. आगे चलते हैं नेक्स्ट uh, क्या बात हो रही थी हाँ दे कैन एक्सचेंज थॉट्स एंड न्यूज यानी कि वो मिलेंगे बातें करेंगे जाहिर सी बातें आइडियाज वगैरह शेयर होंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा और उसके बाद जो है उन्हें बस ठीक है इतने पॉइंट्स काफी हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ईद अब हम आ जाते हैं ईद पे सो so, हम क्या बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट कि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ठीक है

आप के आने से पहले मदीना में दो फेस्टिवल्स हुआ करते थे ठीक है और वो क्या क्या थे मतलब उसमें कार्निवल्स और फन फेयर और फूड स्टॉल्स एंड एक्सेट्रा ये सब होता था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ, कहा कि भाई इन दो के बजाय हम तुम्हें दो और दे रहे हैं अच्छा जी आगे चलते हैं ईद उल फितर की जो चांद रात होती है उसको कहते हैं द नाइट ऑफ गिफ्ट द जायजा और कहा जाता है कि उस पर इबादत वगैरह करनी चाहिए हम तो बॉयज़ पहुंचे होते हैं चिलिंग करने के लिए अपने कराची बॉयज स्पेशली अब क्या होते हैं जी वो साइलेंसर वगैरह निकाल के तो सी व्यू सीन ऑन होता है हालांकि इट्स बेसिकली द नाइट ऑफ गिफ्ट ईद उल फितर इज़ बेसिकली अ डे ऑफ ग्रेटिट्यूड शुक्र अदा करने का दिन होता है कि अल्लाह ने रमजान के रोजे रखने की तौफीक दी द डे बिगन विद फजर प्रेयर फॉलोड बाई प्रेशन फॉर ईद कॉन्ग्रीगेशन आप की आदत थी कि वो ईद की नमाज के लिए जाने से पहले कुछ मीठा खा लिया करते थे सुन्ना जफ ईद की बात करें तो नहाना ब्रश देर टीथ, दे न्यू ड्रेस इफ अवेलेबल और बेस्ट अमंग अवेलेबल ईद प्रेयर की बात करें तो भाई ईद की जो प्रेयर है वो फर्ज नहीं है उसका स्टेटस है सुन्ना ठीक है द टाइम ऑफ ईद प्रेयर फॉल्स बिटवीन फजर एंड जोहर इन दोनों के दरमियान में जो है इसका टाइम होता है दो रकत नमाज पढ़ी जाती है Difference ये होता है कि सिक्स एक्स्ट्रा तकबीर होती हैं तीन होती हैं पहली रकत में और तीन होती हैं दूसरी रकत में ये पढ़े बगैर समझ में नहीं आ सकता इसलिए डियर गर्ल्स खुवात अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो फिर आपका समझना थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ी है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको अगर सच्ची बात बताऊं तो वे जिन्होंने पढ़ी भी है ना ये अभी ये जो मर्द हजरा यहाँ पे बैठे हुए हैं इन्होंने जिंदगी में कितनी ईद की नमाजें पढ़ ली होंगी इन्हें भी भूल जाता है और हर नमाज पे इमाम साहब नमाज से पहले एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे पढ़ी जाती है और फिर भी कोई ना कोई हर सफ में तीन चार लोग गलती करते हैं तो ये तो कुछ है चक्कर खैर तो उसके बाद फिर हम आगे बात करें तो हाँ इस इस बुलेट पॉइंटर में एग्जैक्ट एक्सप्लेन किया हुआ है ये वाले बुलेट पॉइंटर में कि किस तरह से किस जगह पे आपने तीन तीन तकबीरें एडजस्ट करनी है उसके बारे में बताएंगे कि ईद प्रेयर की कोई कजा नहीं होती तो अगर मिस हो गई तो मिस हो गई बस ठीक है ये जमात से ही पढ़ी जा सकती है और इसके जो टू सरमन होते हैं फ्राइडे की तरह से ही होते हैं लेकिन वो फ्राइडे के सरमन नमाज से पहले होते हैं ईद के सरमन नमाज के बाद होते हैं मुस्लिम्स ग्रीट ईच अदर वो आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं ईद पे नहीं करते और सॉरी कोविड ईद पे नहीं करते उससे पहले करते थे अब होपफुली स्कूल भी शुरू हो रहे हैं फुल स्ट्रेंथ के साथ तो हो सकता है अभी नेक्स्ट वीक पे करें फितरा फितरा क्या होता है फितरा इज आल्सो अ टाइप ऑफ चैरिटी ये क्या होता है चार चीजों का एक सा साgera सा जो है जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना लीटर है केजी है मेट्रिक टन है टन है उर्दू में एक मन यूज होता है 40 किलो का ठीक तो अलग-अलग होते हैं तो ये उस जमाने का कोई मेजरमेंट का तरीका था जो कि अब बड़ा डिस्प्यूटेड है तो अलग अलग ओपिनियंस हैं लेकिन इट इज समेयर अराउंड ढाई से तीन किलो के आसपास का होता है चार चीजें आप वीट आटा ढाई किलो किसी को दे दो खजूरें दे दो ढाई किलो किसी को रेजिन किशमिश दे दो ठीक है या बाड़े दे सकते हैं आप उसको किसी को <coughs> बार्ले से वर्ड आपको उसको उस को चेंज कर सकते हो किशमिश ये लेकिन सबसे महंगा वाला होगा अच्छा जी आगे चलते हैं ईद उल जो है ईद उल इज सेलिब्रेटेड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ ग्रेट ओबीडियंस एंड सैक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम हजरत इब्राहिम के ग्रेट सेक्रीफाइस की याद में ये सेलिब्रेट की जाती है जब वो अपने बेटे को सिबा करने के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो गए थे ठीक है जस्ट टू रिलेट विद पिलग्रिम्स अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं तो आपके लिए सुन्नत है जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट जुलहज से लेकर दस जुलहज तक आप अपने नेल्स नाखुन नहीं कटवाते और आप अपने बाल भी नहीं कटवाते मुस्लिम आर इंस्ट्रक्टेड टू रिसाइड तकबीर तशरीक तकबीर तशीख की दुआ होती greatest, greatest, वो है सुहा नहीं ये वो अल्लाह अकबर उकबर वल्ला अकबर अल्लाह अकबर ये हो, क्या होती है ये होती है तकबीर तशरीक ये आप शुरू करते हैं नौ जुलहज की फजर की नमाज से और आप इसको लेके जाते हैं असर की नमाज के थर्टीन जुलहज तक हर नमाज के बाद आपको ये दुआ ऊंची ऊंची आवाज में तीन दफा पढ़नी होती है सुनना ये है कि फर्स्ट मील ऑफ द डे कुर्बानी के जानवर से होना चाहिए

एक्सप्लेन वाई मुस्लिम बिलीव दैट पर्सनल प्रेयर इस इंपॉर्टेंट हम बताएंगे कि भाई ये इतनी पावरफुल चीज है कि ये डेस्टनी को भी चेंज कर सकती है ये वर्शिप का एसेंस है वगैरह 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 ये सारी बातें आप इसमें बता सकते हैं डिलेड प्रेयर डिलेड प्रेयर यानी कि कजा प्रेयर का हम बता देंगे क्या तरीका होता है कि अगर आपने एक रकात के रुकू के बाद ज्वाइन किया तो वो रकात आपकी मिस हो जाती है और उसके बाद आप खड़े होके नमाज को कंप्लीट कर सकते हैं और दूसरी डिलेड यानी कज़ा प्रेयर जो असल टर्म है वो इसलिए है कि वो तो आपकी पूरी नमाज ही मिस हो गई टाइम भी खत्म हो गया अब आप किसी दूसरी टाइम विंडो में अगर नमाज पढ़ोगे तो वो क्या काउंट होगी वो कज़ा नमाज काउंट होगी शॉर्ट एंड प्रेयर जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं तकरीबन और 48 माइल्स आपका यानी कि 77.2 किलोमीटर आपका ट्रेवल करने का इरादा है तो इतनी ट्रेवलिंग की नियत के साथ आप क्या सकते आप, आ, सकते आप कर सकते हो फिर आप कसर कर सकते हो यानी कि आप नमाज को शॉर्ट कर सकते हो समझ आ रही है बात और ठीक तो होगा क्या चार रकत वाली नमाज जो है वो दो में कन्वर्ट हो जाएगी तीन वाली को कुछ नहीं होगा और दो वाली तो पहले से दो है तो उसको भी कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आप रास्ते में ट्रेवल करते हुए कहीं पे फिफ्टीन डेज स्टे का प्लान बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है अगर आपने फिफ्टीन डेज स्टे का प्लान बनाया है तो आपने वो कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट लिया होगा आपने कोई होटल लिया होगा वगैरह सारी चीजें तो फिर आप क्या हो जाते हैं आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं फिर आपका ये

इसका पर्पज़ है सेल्फ कंट्रोल ठीक सहरी से आपका दिन शुरू होता है फिर आप फजर की नमाज पढ़ते हैं उसके बाद कुरान पढ़ा जाता है तस्बीहात पढ़ी जाती हैं पूरा दिन रुका जाता है यू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक एंड मेडिसिन और एनी टाइप ऑफ नरिशमेंट फॉर बॉडी पता चला जी खा पीने ड्रिप्स लग रही हैं ड्रिप्स भी मना है बिलीवर्स क्या करते हैं बिलीवर्स अपनी नेगेटिव एनर्जी को और इनर ईवल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं regularity फॉर प्रेयर इज़ अ वेरी बेसिक डिमांड लेकिन इससे रोज़ा टूटता नहीं है अगर कोई पांचों नमाजों भी छोड़ दे तो उससे रोजा नहीं टूटता रोजा का सवाब बहुत कम हो जाएगा लेकिन रोज़ा एक अलग इबादत है और नमाज पढ़ना ना पढ़ना जो है वो एक अलग इबादत है वो नमाज ना पढ़ने का गुना तो मिलेगा ही मिलेगा रोजे में नमाज ना पढ़ने का गुना में भी ज़्यादा मिलेगा लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नमाज नहीं पढ़ो तो रोज़ा टूट जाता है ऐसा नहीं है सनसेट से पहले का इफ्तार से पहले का जो टाइम है वो एक्चुअली खाने के बारे में नस्टैलजिक होने के लिए या खाने के बारे में याद उसकी यादों में खोने के लिए नहीं होता बल्कि वो एक्चुअली किस काम के लिए होता है वो होता है दुआएं मांगने के लिए क्योंकि ये कबूलियत का वक्त होता है लोग जो है अपना रोज़ा खोलते हैं इसको इफ्तार कहा जाता है इफ्तारी की दुआ करते हैं फिर उसके बाद जो है लोग इफ्तारी इफ़ारी एक दूसरे को इन्वाट करते हैं लोगों को इफ्तारी भिजवाते हैं गरीबों को इफ्तार करवाते हैं सड़कों पर हम बताएंगे कि भाई उसके बाद मगरिब और ईशा की नमाजें होती हैं और उसके बाद फिर तरावी प्रेयर होती है तरावी एक प्रैक्टिस है जिसमें पूरा कुरान तिलावत किया जाता है रमजान में और एक और ख़ास बात कि रमजान में वितर की नमाज की जो तीन रकातें हैं वो भी कॉन्ग्रीगेशन के साथ यानी जमात के साथ पढ़ी जाती हैं ठीक है मोस्टली मुस्लिम स्पेंड नाइट्स ऑफ रमदान वर्शिपिंग अल्लाह एंड रिसाइटिंग होली कुरान

टिक है, है। इसमें ज्यादातर इसके स्परि इसके इसके फिजिकल यानी कि मेडिकल बेनिफिट्स के ऊपर आपको बात नजर आएगी इसको आप रीड कर लो या आपको आसानी से सुकून समझ में आ जाएगा आई होप क्लास में वो सभी लोग हैं जो ग्रुप्स में है सबको ये डॉक्यूमेंट मिल गया होगा फिर भी अगर आपको नहीं मिला है तो मैसेज मी आल सैन इट टू यू

ठीक हम बताएंगे कि भाई इसका जो है वो गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा है ना सिर्फ गरीबों को बल्कि अमीरों का भी इसका फायदा है कि भाई उनकी वेल्थ भी जो है वो सर्कुलेशन में रहती है और अल्टीमेटली अगर गरीब ऊपर की सोशल क्लास में आएगा तो वो ज्यादा बाय करेगा चीजें कंट्री का जी जो है वो इम्प्रूव होगा तो अगर किसी अमीर बिजनेस ने जक़ात दी है तो और अगर उसकी जक़ात से पॉवर्टी एलिवेशन हो रही है गरीब आदमी उठकर मिडिल क्लास में आ रहा है मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में जा रहा है अपर मिडिल क्लास जो है वो अपर क्लास में जा रहा है तो अल्टीमेटली तो उस कंट्री का बिजनेस ओवरऑल बूम करेगा और बिजनेस मैन को फायदा होगा ठीक तो इसकी हम ये वाली साइड भी दिखाने की कोशिश करेंगे आगे चलते हैं वी हैव ऑफ जकत ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा जकत इज द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम ठीक इसका लिटरल मीनिंग होता है तजकिया यानी कि ये क्या करता है ये दौलत को प्योरीफाई कर देता है ये आपके माल और दौलत को पाक साफ कर देता है टू दुअर वन और जकत की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है यहां से लेके यहाँ तक जकत को इलेबोरेट किया गया है। रेफरेंस आ जाएगा एंड गिव द ऑब्लिगेटरी चैरिटी हम बताएंगे कि ये कुरान में टोटल कितनी बार मेंशन है ये कुरान में थर्टी टू टाइम्स टोटल है। ठीक है <coughs> सॉरी सो जक़ात हैज बिन मेन्शन इन कुरान थर्टी टू टाइम्स हम बताएंगे कि ये रिलीजन की बहुत बेसिक टीचिंग में से आता है और इस्लाम जो है वो इनको चार चीजों में डिवाइड करता है और इनका अलग अलग नसाब बताता है सबसे पहले अगर हम बात करें तो साहिब निसाब होने के लिए यानी इतना अमीर होने के लिए कि आपके ऊपर जक़ात जरूरी हो जाए इसके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं गोल्ड में आपके पास होना चाहिए एटी सेवन ग्राम गोल्ड सिल्वर होना चाहिए सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेल्व ग्राम सिल्वर कैश होना चाहिए इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सिल्वर और बिजनेस आइटम्स भी अगर फर्स्ट टू में से यानी गोल्ड सिल्वर में से किसी एक के बराबर हो जाए पहले सी से बताए सिल्वर के बराबर होंगे सिल्वर सस्ता होता है तो ऐसे बिजनेस गुड्स पर भी जक़त अप्लाई होना शुरू हो जाती है ऊपर की जितनी भी ये कैटेगरीज बताई गई है तीनों यानी कि कैश गोल्ड सिल्वर इनका जो क्राइटेरिया रेशो है जकत का दैट इज टू पॉइंट फाइव परसेंट एनुअली एक साल में टू पॉइंट फाइव परसेंट देना होता है जानवरों पे आ जाते हैं जी एनिमल्स पे आ जाए तो एक से चार कैमल अगर आपके पास है तो आपके ऊपर कोई जकत नहीं है नथिंग आपके पास फाइव टू नाइन कैमल्स हैं तो आपको एक बकरी देनी पड़ेगी एक बकरी अब आप कहोगे यार हैं कैमल मांग उससे बकरी रहे कहां से लाऊ क्या मतलब कैमल दे दूं क्या छोटा करके बीच में से काट के भाई ये लो ये बकरी के बराबर है नहीं उसकी कीमत भी दे सकते हैं फिफ्टीन टू नाइनटीन पे थ्री गोट्स हैं अब आप इसको जब दोबारा एक दफा गौर से पढ़ोगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि अच्छा देर इज अ पैटर्न गोट्स की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हो कि हर चीज में Wait a second. Achua. तो आप देख रहे हैं कि ऊपर भी कम कैमल पे जक़त नहीं लगाई ताकि गरीब का नुकसान ना हो यहाँ भी कम गोट्स पे जक़ात नहीं लगाई ताकि गरीब का नुकसान ना हो चालीस से जकत देना आप शुरू करते हो फोर्टी से वन ट्वेंटी गोट्स अगर आपके पास हैं तो आपको एक गोड देनी पड़ेगी वन ट्वेंटी वन से टू हंड्रेड है तो दो गोड्स देनी पड़ेंगी टू हंड्रेड से थ्री हंड्रेड है तो थ्री गोड्स देनी पड़ेंगी और उसके बाद हर सौ बड़े और एक बकरी भी बढ़ जाएगी समझ आ गया आगे चलते हैं भी उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो वी विल टॉक अबाउट बफलो ये बहुत आसान है इसका जो है आपने ये दो रूल्स याद रखने हैं सबसे पहले तो वन टिल ट्वेंटी नाइन पे कुछ भी पे नहीं करना होता आपको ठीक है थर्टी का जब एक सेट हुआ तो आपको वन ईयर ओल्ड काफ देना पड़ता है और फोर्टी का एक सेट हुआ तो आपको वन ईयर ओल्ड आपको का टू ईयर ओल्ड काफ देना होता है ठीक इसको आप जब एक बार वन गो में पढ़ोगे तो आपको सही से समझ में आ जाएगा ये फॉर ईच सेट ऑफ यू विल द वैल्यू इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इक्वल टू द वर्थ ऑफ वन ईयर ओल्ड काव गाय का बच्चा ठीक है एंड जैसे ही आपके पास चालीस हो जाए सो यू आर गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू द वर्थ ऑफ टू ईयर ओल्ड काव गाय का बच्चा ठीक आगे चलते हैं लैंड अगर इरिगेटेड है नेचुरल रिसोर्सेस से देखो ज्योग्राफी की भी तैयारी हो गई तो आपको देना पड़ेगा उसका कितना टेन परसेंट लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल से कर रहे हो एक मिनट वन टेंथ कितना होता है ये होता है टेन परसेंट और वन ट्वेंटी फाइव परसेंट हाँ सही है अगर आप आर्टिफिशियल सोर्सेस से कर रहे हो यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने ट्यूब वेल यूज करना है आपको आपको कारेज यूज करना है या आपको कोई गांव का चौधरी जो है वो बहुत बदतमीज आदमी है तो आपको उसको कैनाल की सफाई वगैरह के और ऐसी फजूल के आपको गुंडा टैक्स यानी जो आपका एक्चुअल गवर्नमेंट का टैक्स उस है उससे हटके आपको टैक्स देना पड़ता है एंड यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी जस्ट टू वाटर योर फार्म तो फिर आपका टैक्स कम हो जाएगा आपका हो जाएगा फाइव ठीक है रिकाज माइन्स निकल आती हैं किसी के घर में आपने कुआं खोदने के लिए जमीन करी और उसमें से निकल आया क्या गोल्ड या सिल्वर तो क्या हो जाएगा उस पर भी ट्वेंटी परसेंट जो है वो जक़ात अप्लाई होती है और ये पहले जमाने में होती थी जब अच्छा दौर था अब तो आपको दिल लेने नहीं देते ना वो आपसे छीन के ले जाते हैं छीन के क्या ले जाते हैं आपको बाहर निकाल देते हैं वहां से कहते हैं हम तुम्हें ऐसा ही घर बना के दे देंगे कहीं और ये जगह से क्योंकि मिनरल्स निकल आए हैं तो अब ये कौम की अलामत है और कौम का मतलब तो आपको पता ही होगा कौम का मतलब ये होता है कि ये अब हमारी जेब में जाने वाला है ठीक हो गया चलो जी आगे चलते हैं अब कौन से ऐसे आठ तरह के लोग हैं जिनको जक़ात दी जा सकती है फकरा एंड मसाकीन ये दोनों गरीब हैं लेकिन फकीर एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास एटलीस्ट रहने की जगह होती है मसाकीन आर यूजुअली होमलेस अल आमिलीन जक़ात डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को जक़ात में से सैलरी दी जा सकती है ठीक है कुलूब तो नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जक़ात दी जा सकती है अल रेखाब स्लेव्स को खरीदने के लिए जक़ात दी जा सकती है अलगारे का लोन पे ऑफ करने के लिए जक़ात दी जा सकती है फी सबीर अल्लाह की राह में कोई भी काम करने के लिए जकत दी जा सकती है एंड सबसे आखिर में इबील ट्रेवलर कोई आदमी अपने इलाके में वेल ऑफ है लेकिन ट्रैवलिंग में उसके साथ कोई डिजास्टर हो गया मेनली फाइनेंशियल तो ऐसे इंसान को जकत में से सपोर्ट करके उसके घर तक पहुंचने के लिए पैसे दे देना इट्स फाइन ये ठीक है ये हो गए एट रेसिपियंट ऑफ जकत जकत के बेनिफिट्स का एक फोर मार्कर यहां पे हुआ हुआ है ठीक और इवन एक और फोर मार्कर भी हुआ है इन दोनों को आपने रीड कर लेना है लास्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज इस हज ऑब्जर्वेंस ऑफ हज का जो क्वेश्चन है उसमें आपने हज का लिटरल मीनिंग बताना है इज डिजायर टू विजिट हम बताएंगे कि भाई ये फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम है और ये ट्वेल्व मंथ में अदा किया जाता है नाइन्थ एज में ये फर्ज हुआ मुसलमानों के ऊपर ठीक है एंड पहला जिंदगी का हज किसने लीड किया हजरत अबू बकर ने अलोंग विद थ्री हंड्रेड अदर कंपेनियंस

क्या कहते हैं तलबिया पढ़ना शुरू कर देते हैं जिसकी ये ट्रांसलेशन लिखी हुई है आप इसको कोट कर सकते हैं सबसे पहले जाने के बाद मुसलमान जो पहला काम करते हैं वहां पे मक्का में वो होता है तवाफ कदूम यानी कि वेलकम तवाफ अपने आने की खुशी में वो अल्लाह तला के सामने एक तरह से हाजिरी लगाते हैं कि अल्लाह ये देखें मैं आ गया ठीक है तवाफ कदूम यानी कि वेलकम तवाफ विच इज सुन्ना फिर हम तवाफ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे कि भाई तवाफ जो है वो सात चक्कर होते हैं और उसमें का क्या होता है वो हजर को या तो चूबना मौका मिले तो या उसको सिर्फ टच करना जो है वो काफी हो जाता है उसके बाद हम बताएंगे कि इट्स सुन्ना टू परफॉर्म नफिल प्रेयर एट मकाम इब्राहिम कि मकाम इब्राहिम वो जगह है जहां पे हजरत इब्राहिम ने जो कंस्ट्रक्शन में पत्थर यूज किया था वो वहां पे रखा हुआ है समझ आ गया और उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विल बी मकाम इब्राहिम पे दुआ कबूल होती है ये बता देंगे हम उसके बाद हम बताएंगे सई जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी बात करेंगे सफा एंड मरवा दो माउंटेन हैं इनके बीच में हजरत हाजरा So, इन्होंने अपने बेटे के लिए पानी ढूंढने के चक्कर में सात जिसकी वजह से अल्लाह को ये चीज इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा अब आने वाले हर हाजी जो है वो ये काम करेगा एटुलज को हाजी जाते हैं मिना जहाँ पे ये दिन स्पेंड करते हैं और जो है वो रात भी वहाँ पे तलबिया कुरान और दुआएं वगैरह पढ़ते हुए गुजारते हैं नाइन्थ जुलहज की मॉर्निंग को ये लोग जाते हैं अराफा जो कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे कैंप की जो है वो एक पूरी दुनिया आबाद होती है और उसमें जो है लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं फिर और हज अराफात जो सॉरी अराफात का जो स्टे है ये हज का सबसे बड़ा स्टेप है In other words, you can say हज में अगर कोई चीज फर्ज है सिर्फ और सिर्फ तो वो ये वाला स्टेप है बस और कुछ नहीं है ठीक है फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि आ ये देखो की हदीस गई हज फिर उसके हम बताएंगे कि भाई पिलग्रिम्स जो है वो उसके बाद जाते हैं मुस्तलफा वहां पे ये मगरब और ईशा मिलाकर पढ़ते हैं एक दफा मैंने आपको बताया था कि शिया मुस्लिम्स के यहाँ रेगुलर नमाजों को मिला के पढ़ा जाता है और हज पे जो है सब चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो वो नमाजों को बिल्कुल उसी पैटर्न पे मिलाकर पढ़ते हैं जिस तरह शिया मुस्लिम सारा साल करते हैं जिसको वो मगरब और को मग़रब इन कहते हैं ठीक है वहाँ पे भाई ये लोग क्या करते हैं पूरी रात वहाँ पे रुकते हैं कुरान की तिलावत तलबिया वगैरह पढ़ा जाता है और वहाँ से ये लोग जमा करते हैं पत्थर शैतान की धुलाई के लिए उसके बाद ये जाते हैं जी अः मीना मीना में है स्टोनिंग ऑफ डेविल वहां पे स्टोनिंग ऑफ डेविल होता है पहले पिलर्स थे अब दीवारें हो चुकी हैं उन्हें जो है दीवारों को मारा जाता है उसके बाद हम बताएंगे कि लोग कुर्बानी करते हैं हेड शेव करते हैं अपना फिर उसके बाद अपने नॉर्मल कपड़े पहन के लेकिन कुछ हज की कंटिन्यू रहती हैं और वो क्या क्या होती हैं वो होती हैं तवाफ जियारत जो कि ग्यारह और बारह तारीख को भी हो सकता है फिर स्टोनिंग ऑफ डेविल भी दो दिन तक और कंटिन्यू रह सकती है और फिर बिल्कुल निकलते हुए जो आप सबसे आखिरी तवाफ करते हैं वो क्या कहलाता है वो कहलाता है तवाफ विदा नाम से ही पता चल रहा है कि अलविदा की बात हो है ठीक है आगे चलते हैं ये एक छोटा सा पार्ट भी क्वेश्चन है कि हजरत इब्राहिम की फैमिली की हज के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है तो हम बताएंगे कि पूरा हज ही उनसे इंस्पायर्ड है कुर्बानी हजरत से इंस्पायर्ड है काबा जिसके हम चक्कर लगाते हैं वो हजरत इब्राहिम ने बनाया था मकाम इब्राहिम जहां हम नमाज पढ़ते हैं वो हजरत इब्राहिम से एसोसिएटेड है सही बिटवीन सफाइन मरवा जो हम करते हैं वो हजरत हाजरा ने की थी और इवन जमजम का कुआं वहां से निकला था जहां छोटे हजरत इस्मा अपने पैर मार रहे थे और वहां से पानी निकल आया था ठीक बहुत आसान है ये उम्र अच्छा उम्र कुछ भी अलग से चीज नहीं है उम्र जो है आपने सिर्फ हज में से कुछ चीजें माइनस की हज के आप आधे से ज्यादा स्टेप्स माइनस कर दो तो वो उमरा बन जाता है बस दैट्स इट पिलर्स ऑफ इस्लाम यहाँ पे आगे खत्म हो जाते हैं अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आर्टिकल भी नहीं है और पिलर भी नहीं है कुछ बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं ये क्या है दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर सेक्शन फोर जो कि खुद से ना पिलर है ना ही आर्टिकल है बस वो सेक्शन फोर में एक कॉन्सेप्ट है अदर देन आर्टिकल्स ऑफ ऑफ फेथ एंड इस्लाम इट्स कॉल्ड जिहाद ठीक है ये देखो डिफरेंस बिटवीन हज उमरा का कितना अच्छा चार्ट बना हुआ इससे आपको सब समझ में आ जाएगा तो भाई अगर हम जिहाद की बात करें तो उसका लिटरल मीनिंग है जोहद, यानी जोहदी मेहनत करना ठीक है इस्लाम में जो कन्वेंशनल डेफिनेशन कुछ लोगों ने जबरदस्ती फिट इन करने की कोशिश की है वो ये है कि वेपन उठाओ लोगों को मारो हालांकि ऐसा नहीं है इसका मतलब यह है कि दुनिया में बुराई के खिलाफ और अच्छाई की खातिर किसी भी कुर्बानी देने से मना ना करना पीछे ना हटना और हर मिशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहना पर्सनल लेवल पर टीम लेवल पर कंट्री लेवल पर नेशन उम्मा लेवल पर यह सब जो है वो क्या है जिहाद है हम बताएंगे कि भाई सेठन ने कहा कि मैं इंसानों को बहकाऊंगा ठीक है उनको मैं रास्ते से हटाने की कोशिश करूंगा जवाब में अल्लाह ने कहा था कि मैं अपने बुक्स के जरिए से प्रॉफिट्स के जरिए से जो है वो आ, उन लोगों को बुलाता रहूंगा वापस तो इसी वजह से हमारे अंदर इविल मोटिवेशन भी होती है और हमारे अंदर जो है वो अच्छी मोटिवेशन भी होती है एंड वी आर अनेबल टू डिसाइड हमें किस तरफ जाना चाहिए एंड दैट इज द टाइम वेन कम स्परिचुअल जिहाद कि आपको अपने इनर ईवल से फॉर्ट करना होता है और उसको ये रियलाइज करवाना होता है अपने इनर ईवल को कि नहीं तुम गलत हो तुम सारे फसाद की जड़ हो तुम सारी बुराइयों की जड़ हो समझ आ गया और क्या क्या जिहाद की टाइप्स हैं स्पिरिचुअल जिहाद के ऊपर आप यहाँ पे पढ़ लेना बड़े काम की चीज है ये फिर उसके बाद आता है वर्बल जिहाद यानी कि आप कम्युनिकेशन यूज करते हुए अपनी नॉलेज स्किल्स यूज करते हुए ठीक है वर्कशॉप्स ट्रेनिंग ये सारी चीजें करते हुए आप जो है वो लोगों को जिहाद मतलब अपना जिहाद पूरा कर सकते हैं और लोगों को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद एक दूसरी टाइप जो है वो है आर्म्ड यानी सम टाइम्स आपको पर्सनल लेवल पे या फाइनेंशियल लेवल पे नहीं करना होता बल्कि सम टाइम्स आपको वेपन उठा के लड़ना होता है और इसकी कोई गाइडलाइन नहीं बता सकता आपको कि यार इतने हालात खराब हो जाए तो आपको उठा के लड़ना पड़ेगा गन ये तो आपको धन इंदेर डिसीजन लेना होता है और फैसला करना होता है हम बताएंगे आर्म्ड वॉरफेयर जो है उसको किताल कहते हैं दिस वाज मेड दिस वाज परमिशन रिगार्डिंग दिस वाज ग्रांटेड इन सेकेंड एयज पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में ठीक है इस्लाम कहता है कि भाई आप लड़ो भी तो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उसके कुछ रूल्स हैं जैसे कि प्रॉफिट ने बताए थे बैटल ऑफ मोता में कि नॉन कॉम्बेटेंट्स को नहीं मारना और ये आज की इतनी ऑर्गेनाइजेशन है बोकू हराम ठीक है इसी तरह से आइसिस दाइश तालिबान वगैरह इन सब की यूनिटी एक चीज में ये है कि ये इंसानी जान को वैल्यू नहीं करते। विच इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स तो जिहाद के क्या क्या टाइप्स हमने डिस्क्राइब कर दिए स्पिरिचुअल जिहाद सबसे टॉप होता है फिर उसके बाद फाइनेंशियल है फिर उसके बाद कम्युनिकेशन है और फिर उसके बाद फिजिकल जिहाद यानी कि आर्म्ड वॉरफेयर है ठीक हो गया सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ आर सेक्शन फोर ऑफ पेपर टू पिलर्स ऑफ इस्लाम आई विश आई कुड स्टे मोर लेकिन अभी मुझे कुछ बहुत कमिटमेंट्स हैं क्लासेस हैं जाना है एक जगह पर काम वाम है तो आई एल बी अप आज मैं पूरी रात जागने की गलती नहीं करूँगा और आप भी नहीं करना क्योंकि देखो आप जागे और पेपर वन में क्या आ गया था कितना आसान सो आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करो कि जल्दी से हो जाओ सुबह भरे जल्दी उठ जाओ इम्पॉर्टेंट्स अगर आपने कर लिए हैं तो फिर पैनिक होने की जरूरत नहीं है अगर आपने इम्पोर्टेंट एरियाज कर लिए हैं तो इस दफा जो इन श्ला बात प्रूव होगी कल मैं पोस्ट करूँगा कि ये मिथ साबित हुआ कि जो पेपर वन आसान होगा तो पेपर टू मुश्किल होगा ऐसा कुछ भी नहीं है ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कैम्ब्रिज ने अपने किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं कहा कि हम ऐसा करते हैं ऐसा नहीं होगा इनशाला ये भी बहुत आसान होगा मेरी दुआएं आपके साथ हैं और लेट uh, नाइट तक तकरीबन ग्यारह बारह बजे तक यू कैन सेंड मी योर क्वेरीज अभी अपना फोकस करो सेल्फ स्टडी के ऊपर और बीच में जो जो मेरे पास क्वेश्चन आते रहेंगे और जो जो कंटेंट होगा मेरे पास मैं शेयर करता रहूंगा ठीक है स्टॉप कॉलिंग कोई कॉल ना करे प्लीज वरना वो उसको मैं इंस्टेंटली ब्लॉक कर दूंगा ओके गाइस टेक केयर गुड लक वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो अल्लाह हाफिज